हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स। वी क्रिएट एजुकेशनल वीडियोस। सो अब लास्ट टाइम हमने टेंस कंप्लीट कर दिया था। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अब मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा। साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स पढ़ाऊँगा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई इंटरेस्टेड है तो स्पैनिश पढ़ाऊँगा। तो स्पैनिश में अगर किसी को जो इंटरेस्ट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पढ़ाने का एक अलग ही टेक्निक है, जो टेक्निक मैं ओनली कंसेप्ट बेस चलता हूँ, ओनली कंसेप्ट पे ही मैं वर्क करता हूँ। मैं पूरा पूरा सब्जेक्ट या पूरा पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ाता, बट इन रियलिटी जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल्स एंड नॉन मेटल, टेंथ का एक चैप्टर है थर्ड नंबर का, तो उसमें जो चीज़ यूज़ हो रही है, जो जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, जो कि बोर्ड्स में आने के चांसेस हैं, वो ही मैं पढ़ाता हूँ और वो ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस अगर बहुत अच्छी तरह से देख ली और बहुत अच्छी तरह से समझ लिया तो आप टेंथ में आप टॉप कर सकते हो और उस सब्जेक्ट में आप मास्टर हासिल कर सकते हो। सो अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में पूरी एक टेबल होती है जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्स के बारे में दिया जाता है। तो ये जो मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई है, एक बार आप देख लो और इसको पॉज करके इसको अपने कोई भी कॉपी में लिख लो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि ये मैंने कंप्लीट पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यही एलिमेंट्स ही यूज़ होते हैं 6 से लेके या 8 से लेके 12 तक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इन एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट्स यूज़ नहीं होता है और ना ही आता है। तो जितना आता है उतना ही बनाओ या जितना आता है उतना ही पढ़ो। ये मेरी एक कंसेप्शुअल थ्योरी है कि ओनली कंसेप्ट बेस पे चलो, जितना आता है उतना ही पढ़ो। ये आप प्रोडक्टेबल अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो, बट ये जो प्रोडक्टेबल जहाँ तक मैंने लिखी है वो ही ज़्यादा से ज़्यादा काम आती है। तो इस प्रोजेक्ट में आपने देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बॉक्सेस हैं वो खाली हैं, तो वो ज़्यादा काम नहीं आते, तो फिर क्या मतलब उसको पढ़ने का। बट अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो आप प्रोजेक्ट टेबल कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इनके अलावा और कुछ नहीं आता है। अब लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो मैं आपको इसका याद करने का तरीका बताऊँगा कि कैसे इसको याद करें और एकदम फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाएगी ये चीज़। उसके बाद आपको इसका एटॉमिक नंबर और कौन से ब्लॉक में आता है ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपन का पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सबसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि लास्ट पीरियोडिक टेबल है। ये लास्ट प्रोडक्टेबल है, ये ही पूरे केमिस्ट्री में आपको यूज़ में आएगी। सारे रिएक्शंस में, सारी मॉलिकुलर मास, मोल कंसेप्ट, सब चीज़ में ये काम आता है। सारी रिएक्शंस इसी के थ्रू होती हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अब ये प्रोडक्टेबल 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, 18 ग्रुप्स 1, 2, 3 से लेके 18 तक, और 7 पीरियड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स में डिवाइड होती हैं। 18 ग्रुप्स हो गए, 7 पीरियड्स हो गए, ओके। नेक्स्ट क्या है? अपन इसके ब्लॉक समझें कि कौन सा चीज़ कौन से ब्लॉक्स में आती है। तो फर्स्ट इज़ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये दो रो कॉलम,
हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन हीलियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम ये आपके पूरे आते हैं एस ब्लॉक में। एच ई भी आता है हीलियम, हीलियम भी एस ब्लॉक में ही आता है। ओके सो एस ब्लॉक क्लियर हो गया, ये दोनों रो और हीलियम। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक की बात करते हैं। तो पी ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक पूरा 5 to 10 तक ये पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। नेक्स्ट डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आता है 3rd to 12 तक। ये वाला चीज़ अपन के डी ब्लॉक में आता है। तो ब्लॉक समझ लिया, सबसे पहले तो ग्रुप, इस प्रोटीन टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स। कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट टू ग्रुप्स प्लस हीलियम, दैट इज 18th। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये 13 to 18 तक कंप्लीट टेबल। ओके डी ब्लॉक क्या होता है, ये 3rd to 12 तक, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और इसको ट्रांसमिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रांजिट एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रांजिट एलिमेंट्स। सो इसको ट्रांजिट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब हम इस इतनी सारे प्रोटोकॉल को याद कैसे करें, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में ज़रूर आता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। तो अब इसको याद क्या करें, इसकी एक पर्टिकुलर एक पोएम टाइप की बनाई जाती है, जो कि मैं आपको बताता हूँ उसको कि पोएम कैसे बनती है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको याद कैसे करो। इधर आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, लाइक दिस, इस तरह से भी याद कर सकते हो। बट सबसे आसान क्या है, पीरियड वाइज या कॉलम वाइज याद करना। ओके सो अब आपने ये सब चीज़ लिख ली होगी, तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और आपको सब कुछ बताता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है कि इनके नाम क्या हैं। अब H है, H क्या है, हाइड्रोजन। Li क्या है, लिथियम। Na क्या है, सोडियम। तो ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है कि ये इनके नाम क्या क्या हैं। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं और इनके नाम जानते हैं। नाम जानने के बाद एक जो पोयम है या फिर एक जो तरीका है इसको याद करने का, वो मैं आपको बता, मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उतना ही पढ़ो जितना आता है या फिर जितना इम्पॉर्टेंट होता है, और इससे ज़्यादा पढ़ के आप करोगे भी क्या, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है और यही आपको याद करना है, यही याद करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने वो ही एलिमेंट्स का नाम लिखा है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में आता है या फिर केमिकल रिएक्शन में काम आ सकता है। सो अब स्टार्ट करते हैं नाम से। H हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रूबीडियम, ओके Be कहाँ है, दिस वन,
बेरिलियम, एम जी मैग्नीशियम, सी ए कैल्शियम, बी बोरॉन। कहाँ गए अपन? यहाँ आ गए बोरॉन। ए एल एल्यूमिनियम, सी कार्बन, एस आई सिलिकन, एस एन टिन, पी बी लीड, एन नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, ए एस आर्सेनिक। आर्सेनिक कहाँ मिलेगा अपन को? इधर। ओ ऑक्सीजन, एस सल्फर, एस ई सेलेनियम, एफ फ्लोरीन इधर, सी एल क्लोरीन इधर, बी आर ब्रोमीन इधर, आयोडीन दिस वन, हीलियम दिस वन, नियॉन दिस वन, आर्गन दिस वन, ज़ेनॉन, क्रोमियम दिस वन, मैग्नीज दिस वन, जिंक दिस वन, एफ ई आयरन दिस वन, सी ओ कोबोल्ट दिस वन, एन आई निकल दिस वन। ये कुछ एलिमेंट्स के नेम हैं, ये कुछ एलिमेंट्स के नेम हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली काम आते हैं आपकी केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से लिख लो, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ लिखने का। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये चीज़ याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे एटम्स के अंदर। एटम्स का कंसेप्ट इसके बाद में आपको बताऊंगा। सो अपन को प्रायोरिक टेबल कम्प्लीटली अब समझ में आ गई है। मेन मेन एलिमेंट्स अपन को पता चल गए हैं और कम्प्लीट नहीं बनाई, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसके बनाया। एस ब्लॉक ज़्यादातर मेटेलिक होता है, पी ब्लॉक ज़्यादातर नॉन मेटेलिक होता है। प्रायोरिक टेबल को कैसे याद करें? ये याद करना बहुत आसान है अगर आपने ये चीज़ जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये अगर आपने अच्छी तरह से लर्न कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों लर्न करना है? क्योंकि अपन को इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर याद रखना है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी, अब याद करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है ये। एक बार आपने इसको रट लिया उसके बाद आप बिल्कुल पूरी प्रोडक्ट टेबल आराम से याद कर सकेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, एल आई एन ए के आर आर बी सी आर एफ आर। ऐसे तो याद ये होगा नहीं, तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा? लीना दिस वन, लीना लीना ने की रब से फरियाद। यहाँ तक पहुँच गए। लीना ने की रब से फरियाद, बेटा यहाँ से दिस वन, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए,
बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बैंगन, दिस वन बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, इसकी ज़रूरत नहीं है अपन को अभी। का, सी, गए, संत, प्रभु, ओके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर नहीं, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, हीना, नीना और करीना, ज़ीरो रन, हीना, नीना और करीना, ज़ीरो रन, देन साइंस टीचर व्रीता किरमानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। साइंस टीचर व्रीता किरमानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। तो ये अच्छी तरह से याद कर लेना सो दैट आपको ये चीज़ कम्प्लीटली याद हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका है इसको ये लर्न करने का, प्रैक्टिकल को ऐसे बना लो, ऐसे लिख लो और फिर इसको याद कर लो पूरा। नेक्स्ट पार्ट में अपन एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे, आयन के नंबर बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड के नंबर के बारे में बात करेंगे और मॉलिकुलर मास के बारे में बात करेंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अलग अलग धीरे धीरे कंसेप्ट अपन के क्लियर होंगे, देन ही अपन आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती या समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ द फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।